वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9B का आरएस अग्रवाल का मैथ क्लास 6 का मैथ और आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 9B। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके अगले क्लास में जब आप जाएंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो यही स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे सीखेंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस, मतलब सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन गलत है या सही है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेम क्वेश्चन है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो ओ बनाए या बनाए दोनों इक्वल ही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत इजी है। हम बताए थे कि एस फाइव को मुझे इस एक्स को अकेले रखना है तो आंसर आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पे इसके प्लस में फाइव है, इस फाइव को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 12 माइनस 5। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लस में था और इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू 7, ये आंसर। अब कहिएगा कि सर वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई देखिए कैसे किया जाता है, समझिए। ये है LHS और ये है RHS। तो LHS में इसका वैल्यू अगर रखें और इतना आ जाए तो समझिए राइट है। तो मान लीजिए कि LHS ये हुआ और RHS ये हुआ। LHS में मान लीजिए हम वैल्यू रखते हैं x प्लस 5 है तो x का वैल्यू 7 और प्लस 5 तो हो जाएगा 12। तो ध्यान दीजिए कि LHS जो है ये रखें LHS में इसका वैल्यू कितना आ गया तो 12, RHS का वैल्यू कितना है 12। तो ये मेरा क्वेश्चन जो बनाया वो सही है। अगर दोनों सेम नहीं आता तो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस 3 इजक्वल टू माइनस 2, इस 3 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा x इजक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। ध्यान दीजिएगा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा x इजक्वल टू। अब एक बात याद रखिएगा कि ये माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 होता है तो हो जाएगा x इजक्वल टू माइनस 5। अब कहिए सर वेरीफाई कीजिए, तो देखिए वेरीफाई कैसे करें, यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाई। वेरीफाई किया जाता है जैसे ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे LHS में तो x का वैल्यू है माइनस 5 और प्लस 3 है तो 3, तो हो जाएगा माइनस 2। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो मेरा क्वेश्चन जो है राइट है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप वेरीफाई कीजिए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x/5 = 15। तो करेंगे क्या, हम इस 3/5 को इस साइड लाएंगे तो पलट जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा 5/3। ध्यान दीजिएगा ये 3/5 इधर तो 5/3 हो जाएगा, 3/5 = 15 तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/5 = 25, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें दो दो एक्स हैं तो इस एक्स को इधर लाएंगे, 3 को इधर लाएंगे तो एक्स को इधर ले जाएंगे तो 5x - x हो जाएगा, 3 को इधर लाएंगे तो 70+3 हो जाएगा। फिर एक बार समझिए, एक्स पॉजिटिव है तो इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो नेगेटिव, 3 नेगेटिव है इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो पॉजिटिव, तो ये 5x में से x जाएगा तो होगा 4x और ये 17 और 3 हो जाता है 20, तो x इक्वल टू लिखेंगे तो ये डिवाइड में आएगा तो 20/4 होगा, ये 5 टर्म में कट जाएगा तो x इक्वल टू हो गया 5। आप कहिएगा सर इसे वेरीफाई कीजिए, तो देखिए वेरीफाई कैसे किया जाता है, समझिए। ये LHS है और ये RHS है, दोनों साइड में वैल्यू रखेंगे x का तो इसमें रखते हैं LHS, ध्यान दीजिएगा। तो आइए वेरीफाई देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू हम यहाँ पे रखें, सपोज LHS के अगर हम सॉल्व करें तो 5x - 3 है तो 5 × 5 - 3 तो 5 × 25 - 3 यानी हो जाएगा कितना तो 22 हो जाएगा, ध्यान दीजिए हो जाएगा। अब इधर भी रखेंगे वैल्यू x का,
x का वैल्यू 5 और प्लस 17 तो हो जाएगा 22। ध्यान दीजिएगा दोनों वैल्यू इक्वल हो गया तो राइट आंसर, नहीं तो गलत। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। आइए देखते हैं इस 9वीं एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं वो क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन समझ के हम छोड़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और पेपर के लिए मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसे हम बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाने। तो सपोज इट मानिए कि ये क्वेश्चन है 2x - 1/2 = 3, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक रखेंगे और एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 2। तो ये 1 टर्म में आएगा, यानी 2 के टर्म में आएगा 1 के टेबल, तो ये हो जाएगा 2 × 4x। आइए 1 टर्म में आएगा तो 1 = 3। यानी अब करेंगे हम क्या, यहाँ पे 1 रखकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 से इस सब में मल्टीप्लाई और 2 से इस 3 में मल्टीप्लाई। तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा 4x - 1 और 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा हो जाएगा। अब बात करेंगे जैसे पहले हम सीख रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे, सेम टू सेम वैसे करेंगे। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो इस 1 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 4x = 6 + 1। ध्यान दीजिए हो जाएगा। अब x = हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 6 1 हो जाएगा 7, ये आएगा तो हो जाएगा 4। तो आंसर आ गया 7/4। आप कहिएगा सर इसे वेरीफाई कीजिए कि ये क्वेश्चन जो बनाए है सही है कलर। तो ये वेरीफाई करते हैं, इस साइड वेरीफाई कर देते हैं। ये है रहा LHS और ये रहा RHS। तो जब LHS में x का वैल्यू रखेंगे तो आना चाहिए 3, तब जाके मेरा क्वेश्चन सही होगा। आइए रखते हैं, 2 है तो 2 और x का वैल्यू है 7/4 और -1/2 तो 1/2। देखिए 2 क्वेश्चन में है तो 2, x का वैल्यू 7/4 तो 7/4, माइनस तो -1/2 तो 1/2। 2 जब 4 हो जाएगा यानी 7/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ये 7 - 1 होगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, नीचे 2 होगा, 2 × 3 = 6 यानी 3 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा ये जो LHS निकाले हैं 3, ये देखिए ध्यान से RHS की अगर ये इक्वल है तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है, अगर इक्वल नहीं है तो बनाया हुआ क्वेश्चन गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज बिना देखे हुए वीडियो पे स्टॉप ना करें। तो ये स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। x/2 है तो x/2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, ये एक्स ही रहेगा क्योंकि 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 से इस दोनों में करेंगे तो 2 में x से करेंगे तो 2x और प्लस है तो प्लस और 2 में 3 से करेंगे तो 6 और x में 3 से करेंगे तो 3x। अब ध्यान दीजिएगा ये 3x को इधर और 6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -3x और ये इधर आएगा तो होगा -6। इसमें से ये घटेगा तो बचेगा -x, ये -6, तो माइनस से माइनस कट गया तो x = 6, ये रहा राइट आंसर। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लीज आप इसे ध्यान से देखें और कॉपी पे नोट करें और समझने की कोशिश करें, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 और दूसरा अगला क्वेश्चन है 21, क्योंकि हम देख रहे हैं वैसे क्वेश्चन को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने नहीं सीखे तो समझिए कि मैथ ये लीनियर इक्वेशन को पूछ नहीं जाते क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझते हैं करते क्या है। इस 3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम करेंगे 3 से x में तो होगा 3x और प्लस है तो प्लस और 3 से 2 में करेंगे तो होगा 6, माइनस है तो माइनस, 2 में x से करेंगे तो होगा 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 में करेंगे 1 से तो 2 = 7 है तो 7। फिर से एक बार देखते हैं, 3 में x से तो 3x, प्लस तो प्लस, 3 × 2 = 6, माइनस तो माइनस, 3 में 2, 2 में x है तो 2x, ये माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2 और 7।
अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, ये माइनस है या प्लस है, तो 3 में से 2x जाएगा तो x बचेगा, ये 6 और ये 2 मिल के हो जाएगा 8, यहाँ पे है 7, कुछ समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 इधर आएगा तो होगा 7 माइनस 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 8, 8 में से 7 जाएगा तो माइनस 1, ये ना ये क्वेश्चन कौन बना। आप कहिएगा सर इस क्वेश्चन को वेरीफाई कीजिए कि ये गलत है या सही, यही करते हैं वेरीफाई। ये सब है LHS और ये है RHS, तो LHS में वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा वैल्यू रख देते हैं। देखिए 3 और x का वैल्यू माइनस 1 प्लस 6, सॉरी क्वेश्चन हम रखते हैं इसमें 3 रहने देते हैं, x प्लस 2 है तो माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 और x का वैल्यू माइनस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 इसको ऐड करेंगे तो होगा 1 और ये माइनस 2 रहने दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये माइनस माइनस 2 2 जब 4 तो हो जाएगा 7। ध्यान दीजिएगा ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन राइट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 कैसे बनता है। तो देखिए बनाने के लिए दोनों साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, ये 5 है, ओके। एलसीएम लेंगे तो इधर होगा 4, ये हो जाएगा एन माइनस 20, देखिए 4 1 जब 4 तो एन, और 1 के टेबल 4 बेर में तो 4 5 जब 20, फिर इस एलसीएम लेंगे तो होगा 6, ये हो जाएगा एन, यह हो जाएगा 3, क्योंकि 2 के टेबल में 3 बनने होंगे। अब करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें 4 से इसमें 6, तो 6 से करेंगे इसमें तो 6n और माइनस 120 हो जाएगा, देखिए ध्यान से 6 2 जो 12 और 0 के 0, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 12, n को इधर ले जाएंगे तो 6n, ये माइनस 4n हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, माइनस करेंगे तो होगा 2n और इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 04, हो जाएगा 041 140, तो n इक्वल टू हो जाएगा 140 बाई 2, तो ये 7, तो x को n बराबर हो गया 70, ये रहा आंसर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।